हमारे साथ डॉक्टर धीरज कौल भी हैं, आप फिजिशियन हैं, न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं। एक सवाल तो यही है कि आपके मुल्क में तैयारियां कैसी हैं, लेकिन सर एक इंपॉर्टेंट सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि भारत जैसे देश में जहां पर चुनाव भी आने वाले हैं, शादियों का सीजन चल रहा है, लोग मास्क और कोरोना जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर था उसको लेकर लापरवाह हो रहे हैं, ऐसे में कितनी बड़ी चिंता की बात यह है इतनी बड़ी आबादी को लेकर जहां पर सेकेंड डोज अब तक बहुत लोगों को नहीं लग पाई है। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप सवाल रेज कर रहे हैं। देखिए, अमेरिका में तकरीबन 59.1% फुली वैक्सीनेटेड है, अमेरिका इंडिया के अंदर अराउंड 30.6% एज ऑफ द लास्ट अपडेटेड इंटरनेशनल डाटा फुली वैक्सीनेटेड है। लेकिन ये बहुत चिंता की बात है क्योंकि वायरस बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। जो म्यू वेरियंट की आप बात कर रहे हैं उसके अंदर 30 जिसको हम B.1.1529 वेरियंट बोलते हैं, साउथ अफ्रीका में प्रीडोमिनेंट है और उसके अराउंड 6 और कंट्री जो बोत्सुआना, एस्टोनिया, लेसोथो, नामीबिया, जिम्बाब्वे में ये पाया गया है और अब यूके ने इसकी फ्लाइट्स पे बैन लगा दिया, अमेरिका भी लगाने वाला है। लेकिन सबसे चिंता की बात है कि जो स्पाइक प्रोटीन जिसको यूज करके हमने वैक्सीन्स बनाई, मॉडर्ना, फाइजर, जो कि स्पाइक प्रोटीन को आपके इम्यून सिस्टम को एक्सपोज करती हैं, उसमें इतने चेंजेस आ चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू वेरियस डाटा इनपुट्स, अभी कंक्लूसिव इन्फॉर्मेशन नहीं है, 40% एफिकेसी रह चुकी है mRNA बेस्ड वैक्सीन की। लेकिन अगर आप फुली वायरस को एक्सपोज्ड हैं या आपके पास एक डेड वायरल वैक्सीन है जो कोवैक्सीन इंडिया में लगाई जा रही है, तो क्योंकि आप एक वायरस के बड़े सारे एरियाज को एक्सपोज करते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी इम्यूनिटी इसकी शायद इससे कम हो एज कम्पेयर टू mRNA बेस्ड वैक्सीन। लेकिन डॉक्टर कॉल, जो ये सारी बातें आप कह रहे हैं वैक्सीन की इफिशियंसी को लेकर और उसके इफेक्टिवनेस को लेकर इंडिया में, और साथ ही एक जो एक ज्योग्राफिकल डिफरेंस है उसकी वजह से इम्यूनिटी में भी अंतर होता है, लेकिन जिस हर्ड इम्यूनिटी की बात कही जा रही थी कि एक लेवल के बाद जब इस लड़ाई में पूरी सोसाइटी अलग अलग उस स्तर पर पहुंचोगी तो एक हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप होगी ताकि अपने आप लोग जो हैं उस बीमारी से लड़ पाएंगे, तो उसके स्टेटस को आप कैसे देखते हैं? अगर ये म्यूटेशन ऐसे ही चलता रहा तो फिर जी, उस नेचुरल जो फाइट है वायरस से उसका क्या होगा? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मिनट दीजिए मैं समझाता हूं। देखिए, जब आप वैक्सीन को एक पेशेंट को एक्सपोज करते हैं, क्योंकि सिर्फ हम स्पाइक प्रोटीन यूज कर रहे हैं, अगर वो स्पाइक प्रोटीन टोटली चेंज हो जाए तो वो वैक्सीन कारगर 0% हो जाएगी। अभी तक जो स्पाइक प्रोटीन के चेंजेस हमने डेल्टा वेरिएंट में देखे थे उसमें भी एफिकेसी 60% थी, लेकिन अब जो ये म्यू प्रोटीन के अंदर 30 नए चेंजेस हम देख रहे हैं स्पाइक प्रोटीन में, जो एफिकेसी ऑफ mRNA बेस्ड वैक्सीन को नीचे ला रही है। लेकिन अगर आप एक डेड वायरस वैक्सीन जो कि कोवैक्सीन भारत में है जो पूरे वायरस को देती है, या आप एक वायरस से रिकवर हो चुके हैं, तो आपके पास उस वायरस के डिफरेंट एरियाज की इंफॉर्मेशन है, नॉट ओनली द स्पाइक प्रोटीन, दैट इज इशू नंबर वन। इशू नंबर टू ये है कि इवेंचुअली हमें नई वैक्सीन्स डेवलप करनी पड़ेंगी जो कि बूस्टर से बिल्कुल अलग है, वो एक दूसरी चीज है। हर साल अब डिपेंड करता है जितना ये वायरस स्प्रेड होगा, जितना लोगों में फैलेगा उतनी नई म्यूटेशंस आएंगी, जितनी नई म्यूटेशंस आएंगी उतना ही चांस है कि वैक्सीन को वो ना कारगर कर दे। इसीलिए जितने भी साइंटिस्ट ग्लोबली बैठे हैं, हमारा सबसे बड़ा एम ही यही है कि वायरस की सर्कुलेशन को हम तेजी से रोक दें। जिस हर्ड इम्यूनिटी की आप बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन की के थ्रू, वो तब तक कारगर है जब वायरस अपने आप को पूरी तरीके से चेंज ना कर ले। अगर वायरस अपने पूरी तरीके से चेंज कर लेगा तो वैक्सीन ना कारगर होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी सही बातें हैं, लेकिन दर्शकों से इतना हम कहेंगे कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो हर वायरस पर कारगर है। मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, 2 गज दूरी, ये सब पर है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।